रितेश पांडे ने अपने घर रखी होली की पार्टी और उस होली की पार्टी में उन्होंने अपने बड़े भाई पवन सिंह यानी कि जिन्हें वो भोजपुरी में अपना गुरु भी मानते हैं, पवन सिंह को, दिनेश लाल यादव निरहुआ को, मनोज तिवारी को, यश मिश्रा को, अरविंद अकेला कल्लू और रानी चटर्जी, आम्रपाली दुबे जैसे कई बड़े और दिग्गज एक्टरों को बुलाया। जी हाँ, होली महासम्मेलन प्रोग्राम रखा था रितेश पांडे ने अपने घर पर और सभी को बुलाया। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये दूसरी मर्तबा है और लेकिन ये कोशिश बड़ी ही बेहतरीन है, सभी ने इसकी तारीफ की। लेकिन एक शख्स, एक क्या दो शख्स उस होली पार्टी में नहीं थे लेकिन उनकी चर्चा पूरे महफिल में थी। हम बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह की। जी हाँ, इस महफिल में ये दोनों नहीं थे लेकिन इनके चर्चे बखूबी हो रहे थे। सब जानना चाहते थे कि ये दोनों क्यों नहीं आए इस पार्टी में, क्योंकि वैसे भी खेसारी और रितेश में विवाद चल रहा है और खेसारी और रितेश के विवाद के चलते आपको तो याद होगा लहंगा लखनऊआ वाला विवाद, तो हम उसकी क्या पोल खोले। वैसे भी इस विवाद के चलते खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे के बीच अच्छी खासी डिफरेंस आ चुके हैं। जो रितेश पांडे खेसारी लाल यादव को अपना बड़ा भाई मानते थे, अब उन्हें फूटी आग भी पसंद नहीं करते। लेकिन रितेश के अच्छे रिश्ते अक्षरा सिंह से आज भी हैं और लगता है इन फ्यूचर रहेंगे। लेकिन अक्षरा सिंह यहाँ क्यों नहीं आई? वैसे भी जिस महफिल में पवन सिंह मौजूद रहते हैं वहाँ अक्षरा सिंह अपना जाना मुनासिब नहीं समझती और ना ही उस महफिल में अक्षरा सिंह को बुलाया जाता है। अब भाई पवन सिंह से इंडस्ट्री में पंगा ही कौन लेना चाहता है। ये बात रही, आपको हमने ये बताया कि क्यों खेसारी और अक्षरा सिंह रितेश पांडे की पार्टी में नहीं आए। लेकिन एक बात और है जो हमें आपको बतानी है, वो ये कि रितेश पांडे का गाना हेलो कौन ने जिस ऊंचाई को छुआ था वो तो हिंदी गाना था, लेकिन भोजपुरी गाना होते हुए भी भतीजवा को मौसी जिंदाबाद ने भी जो रिकॉर्ड बनाया है वो किसी तारीफ से कम नहीं है। कहीं ना कहीं इन व्यूज़ को लेकर भी इन दोनों में अभी भी मनमुटाव चल ही रहा है। तो इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि हेलो कौन की कामयाबी और भतीजवा की मौसी जिंदाबाद की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के चलते ही इन दोनों के बीच में भी जो दूरियां आई हैं। तो भाई जो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्यों रितेश ने नहीं बुलाया खेसारी और अक्षरा को, तो उनको ये वीडियो देख लेना चाहिए, उन्हें पता चल जाएगा कि खेसारी और अक्षरा क्यों नहीं आए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल।